नमस्कार दोस्तों, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में काफी ऐसी चीज होती है जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि वो फैक्ट्री में बनती कैसे है। आज हम ऐसी ही चीजों के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले माचिस बॉक्स, जिसको हम में से कई लोग डेली यूज करते हैं। चलिए जानते हैं कि ये बनती कैसे है। सबसे पहले पेड़ की लकड़ियों को एक साइज में काटा जाता है और ये पेड़ पॉपुलर का होता है, जिससे पेपर भी बनते हैं। उसके बाद इन कटी हुई लकड़ियों पर से इनकी ऊपरी परत हटाई जाती है और फिर इनको पतली पतली लेयर्स में काट लिया जाता है। फिर एक मशीन में डालकर इसे माचिस की तिल्ली के साइज का काट लिया जाता है। फिर इन तिल्लियों को एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से दूसरी मशीन में डाल दिया जाता है। इस मशीन से माचिस की तिल्लियों पर मसाला लगाया जाता है और ये मसाला पांच चीजों से मिलकर बना होता है। पहला है फास्फोरस सल्फेट, दूसरा है पोटेशियम क्लोरेट, तीसरा है सल्फर, चौथा है कांच का पाउडर और पांचवा है सिंथेटिक गोंद। इन सबको मिलाकर माचिस का मसाला बनाया जाता है। इन सभी तिल्लियों को पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। पैकिंग के लिए सबसे पहले माचिस की बॉक्स को तैयार किया जाता है। फिर बॉक्स में एक मात्रा में तिल्लियां भरी जाती हैं। उसके बाद ये माचिस बॉक्स आपके घर में इस्तेमाल होने के लिए भेज दिया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ अगली वीडियो किस पर चाहिए।